खबर रीवा जिले से है, जहां अधिवक्ताओं के चैंबर में लगे एसी को चोर निशाना बना रहे हैं। एक रात में दर्जनों एसी के कापर तार काट ले जाने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि रीवा शहर में चोरों की चहलकदमी काफी बढ़ गई है। चोर अब दिन के समय भी दुकानों व घरों को निशाना बना रहे हैं। कई जगह चोरी के सीसीटीवी टीवी भी सामने आए हैं, लेकिन फिर पुलिस चोरी पर लगाम नहीं लगा पा रही। अब तो हद यह हो गई कि चोरों ने जिला न्यायालय को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अधिवक्ता ब्रजेंद्र कुमार माला ने बताया कि बीती रात चोरों ने लगभग एक दर्जन अधिवक्ताओं के चैंबर में लगे एसी को निशाना बनाते हुए एसी के लगे कॉपर के तार काट ले गए। और तो और उनका कहना यह भी है कि पहली घटना नहीं है, आए दिन जिला न्यायालय परिसर में चोर अपना तांडव करते रहते हैं। कभी बाइक तो कभी किसी की साइकिल तो कभी मोबाइल, कभी चैंबर का ताला तोड़ना आदि नए नए कारनामे चोर करते रहते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहती है। वकीलों का कहना है कि यदि जहां जुडिशियल रिहाइश है, यदि वहां भी चोर बेफिक्र होकर घटनाओं को अंजाम देंगे तो फिर आम लोगों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द चोरों को काबू किया जाए। ये कॉपर वायर होता है, कॉपर की लाइन होती है जिसमें से एसी की गैस आती जाती है और वो बहुत महंगा बिकता है और वो केवल एसी में लगता है। उस कॉपर लाइन को जो पाइप होती है वो महंगे उसमें जाती, इसलिए इसको चुराया गया। और आज ये पहली बार नहीं हुआ, ये लगभग इसके पूर्व कई बार हुआ। और हमारे मित्र जो माला जी हैं उन्होंने इसकी कई बार शिकायत की, सभी अधिवक्ताओं ने हम सब ने मिलकर शिकायत की, लेकिन कहीं कोई कार्यवाही नहीं हुई। लगातार टूट रही है, लगातार ये चोरी होती रहती है। गश्त के नाम पे कुछ नहीं होता, बीट इंचार्ज जो होता है उसको पता रहता है कितने चोर कहाँ सक्रिय हैं, उसकी कहीं कोई न पूछताछ होती न कुछ होता। बगल में मोटरसाइकिल 6 हफ्ते पड़ी रही, उस मोटरसाइकिल ये लगभग 3-4 महीने पहले की बात है, नाले में ला के डाल दी गई थी और नाले में पड़ी थी। लगातार यहाँ के अधिवक्ता साथी हमारे कह रहे थे ये मोटरसाइकिल पड़ी किसी गंभीर वारदात में संलग्न दिख रही है, आप इसको उठाओ। रिकवर नहीं करने आए, 6 हफ्ते बाद रिकवर करके ले गए थे। आपके चैम्बर में टूटा है ताला? ये हमारे चैम्बर का ये ताला टूटा हुआ है और उधर वो निशान भी है। और एक बार हमारे बगल में जो है यहाँ सुष्मिता सेन जी हैं, एडवोकेट हैं, उनका ताला टूटा, उनका लैपटॉप वो ले गए। बगल में वहाँ पे एक पटेल जी हैं सबसे अंतिम में, उनका तो पूरा सब कुछ मोबाइल सोबाइल सब उठा ले गए ऊपर से। और ऐसा नहीं करते कोई, मैंने बकायदे लिख के जाते हैं कुछ चैम्बर में, तो लिख के गए जब कापी किताब रखना था तो ताला क्यों लगाते हो, तो ये भी सब हो रहा। और हाँ, चोर लिख के गए थे वहाँ पे, एक गुप्ता जी हैं उनको गाली लिख के गए थे, बकायदे गाली लिखा था, हाँ चोर ने लिखा। और सारी बातें होती है, पुलिस खाना पूर्ति करके चली जाती है और कहते कहते हम लोग थक गए, हम ही लोगों पर चोरों का चैलेंज है, शुद्ध यानी ये है कि अगर तुम्हें स्वीकार कर हम तुम्हें चुनौती देते हैं, हम चोरी करेंगे, तुम पकड़ना हो पकड़ लो, लिख के जाते हैं। एक बार नहीं, दसों में लिख के गए हैं। माँ बहन की गाली लिख के, जब तेरे पास कुछ नहीं है तो यहाँ ताला क्यों लगाता है, ये गालियाँ लिख के पर्ची में रख गए हैं। और एक नहीं, ऊपर से लेके नीचे तक और पूरे परिसर में वो सब कुछ संलग्न, मैंने हमारे हम लोगों ने अपने पैसे पर यहाँ के अपने एक गार्ड रखा है, वो गार्ड जब से आया तब से मोटरसाइकिल चोरी होना बंद हुई है। हम लोग माला जी लोग, हम और ये माला जी यहाँ पे नाली तोड़ रहे थे, हम लोग गए, वो साले जमानत में छूटे थे, नाली तोड़ रहे थे, नाली तोड़ के वो निकाल रहे थे। अब जब फ़ोन किया कि भाई ये असामाजिक तत्व यहाँ करते थे लगभग 20-25 के, मैं कट्टा बंदूक से ले, कोई आया हुआ नहीं, और वो तोड़ ताड़ के नाली तोड़ चले गए। जनेंद्र मिश्र एडवोकेट। लगभग आधा दर्जन एसी के कॉपर वायर काटे गए हैं, जो विगत 2-3 दिन से ये वातावरण चल रहा है कि चोर इतने सरहंग हैं कि अधिवक्ता न्यू अधिवक्ता परिसर में खुलेआम घूम रहे हैं और आके संडे रात्रिकालीन ये तोड़ते हैं। इस प्रकार की लगातार पूर्व में घटनाएं हुई हैं, थाना सिविल लाइन में इसकी FIR हुई। हमारे अधिवक्ता, कई वरिष्ठ अधिवक्ता मानी जाने मिश्रा जी के नेतृत्व में हम लोग गए भी थे और इस संदर्भ में हम लोगों ने लिखित शिकायत भी की है। लगभग सैकड़ों ताले टूटे थे चैम्बरों के, जिसमें लैपटॉप व कुछ फाइलें पड़ी थीं और इस प्रकार वो शब्द कहते थे कि वो चैम्बरों में कुछ कागज लिख के जाते थे कि तुम असंसदीय मर्यादित अश्लील शब्द लिख के जाते थे कि साले तुम क्यों है इस प्रकार के, जब पैसा नहीं रखते हो तो फाइल रखने के लिए चैम्बर लियो। तो इस प्रकार की घटनाएं से हम पूरा अधिवक्ता परिवार क्षुब्ध है और निश्चित तौर से लगातार घटनाएं हो रही, कभी 2-व्हीलर की गाड़ी चोरी चल जाती है, कभी यहाँ संदिग्ध वाहन दिखते हैं,
कभी ऐसी परिस्थितियां होती, इसकी लिखित शिकायत पूर्व में भी की गई थी। अब देखिए, दो तीन दिन से लगातार एसी के वायर तार टूट रहे हैं, जो कॉपर वायर तार होता जो महंगा होता है, आपको हमने दिखाया भी मौके पर स्थल पर जाके कि उनकी पन्नी वगैरह कैसे निकली हैं, कैसे लोगों ने घटना को वारदात अंजाम दिया है। यहाँ का पुलिस प्रशासन लगातार बीट प्रभारी के उसमें गश्त करता अधिकारी भी संबंधित एसपी एडिशनल स्तर के अधिकारी गश्त को निरीक्षण करते हैं। तो ये वारदात कैसे हो रही लगातार बार, मतलब कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं को चैलेंज किया जाता है कि हम चोरी करेंगे, जो भी करना हो कर लो, या कि पुलिस प्रशासन की सह पर हो रहा है, या कि किसी और अन्य बड़े लोगों की सह पर हो रहा है, कि अधिवक्ताओं को ही टारगेट किया जा रहा है। हो सकता है कि अधिवक्ता पैरवी करते हैं, चोरों के खिलाफ भी बोलते हैं और उनका विरोध भी करते हैं, तो निश्चित तौर से प्रतिकार की व्यवस्था है, न्याय दिलाने की व्यवस्था है। कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें अधिवक्ता भी अपनी व्यवस्था को लेकर अपनी बात रखते हैं, पर इस प्रकार की लगातार टारगेट करना, अधिवक्ताओं के चैम्बर के ताले तोड़ना, उनकी फाइल को अस्त व्यस्त कर देना, उनके लैपटॉप व उपकरण संसाधन को नष्ट करना, तो ये योजनाबद्ध है, पुलिस की सह पर ऐसा हो रहा। विगत दो तीन वर्षों से ही ऐसी योजनाएं हैं जब से हम लोग देख रहे हैं, तो इस प्रकार की लगातार घटनाएं हो रही हैं और पूरा अधिवक्ता परिवार इन घटनाओं से क्षुब्ध है, परेशान है, और पुलिस प्रशासन इस पर इंक्वायरी नहीं कर रही है और किसी मुख्य तफ्तीश नहीं की जा रही। आ रहे हैं, औपचारिकता करते हैं, विवेचना करते हैं, पंचनामा करते हैं, स्थल निरीक्षण करते हैं, इसके बाद हो गया जो कहते हैं। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगड़ाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोरहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931625789627582294253778577। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।